हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डिजायर क्राफ्ट्स मेंस वॉलेट की और ब्लाउजी की कैजुअल स्कूल बैग। ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे। तो चलिए पहला प्रोडक्ट हम देखते हैं, जो कि है डिजायर क्राफ्ट्स मेंस वॉलेट। तो चलिए इसे यहाँ पर हम ओपन करते हैं। ये काफ़ी अच्छी बढ़िया पैकेजिंग के साथ हमारे एड्रेस तक पहुंच जाता है। तो यही खास बात है अमेजोन की कि इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर हमने इसे काट दिया। देखते हैं अंदर की तरफ हमारा वॉलेट। तो ये रहा हमारा वॉलेट, काफ़ी बढ़िया। और इसके साथ और कुछ पर्स रिसिप्ट यहाँ पर होनी चाहिए। और ये रही हमारी परचेस रिसिप्ट। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं और देखते हैं हमारा वॉलेट कैसा है। काफ़ी अच्छी तरह इसकी पैकेजिंग की हुई है बाहर की तरफ भी। और इसका ये बॉक्स भी काफ़ी हैवी है और गुड क्वालिटी का है। डिजायर क्राफ्ट यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं। और साइड में आप देख सकते हैं इसकी MRP दी हुई है 1299 रुपीज़। लेकिन एक कॉमन बात है कि ये हर प्राइस मैक्सिमम इतनी रहती है, लेकिन ये मैंने परचेस किया था 217 रुपीज़ में डिस्काउंट के साथ। तो चलिए हम देखते हैं हमारा प्रोडक्ट। अंदर की तरफ भी इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है और ये एक मेड इन इंडियन ये प्रोडक्ट है। तो चलिए इस बॉक्स को भी साइड में रखते हैं। देखते हैं हमारा मेन वॉलेट, काफ़ी शानदार हमारा वॉलेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि ये लेदर जैसा लग तो रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल लेदर नहीं है, आर्टिफिशियल लेदर जिसका इसका मटेरियल है। लेकिन इसकी पैकिंग और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलाई भी इसकी काफ़ी अच्छी है। जो मटेरियल यूज किया हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप नोट्स रख सकते हैं, यहाँ पर आप ID कार्ड या फिर ATM कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 इसके साइड में इनबॉक्स है। और यहाँ पर आप देख सकते साइड में भी 2 जगह दी हुई है आपको कुछ चीज़ें रखने के लिए। और यहाँ पर ये कॉइन बॉक्स है जहाँ पर आप कुछ कॉइन्स रख सकते हैं। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और ये रहा इसका इंटरफेस, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी मुझे लगी। हालांकि इस प्राइस में काफ़ी अच्छा मुझे ये वॉलेट मिल चुका है। तो चलिए हमने इसे देख तो लिया। आप देख सकते हैं इसकी सिलाई भी काफ़ी अच्छी की हुई है और थोड़ा सा हेवी है। तो चलिए अगला प्रोडक्ट्स देखते हैं। ब्लाउजी कंपनी की कैजुअल स्कूल बैग जो मैंने ऑर्डर की थी, उसकी प्राइस थी 1570 रुपीज़। लेकिन इसके साथ मुझे 100 रुपये का अमेजोन कूपन मिला था, तो ये मुझे 417 रुपीज़ में मिल चुकी है। तो चलिए इसे भी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। तो यहाँ से हम इसे काट देते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरी तरह इसे अनबॉक्स कर दिया है। काफ़ी टाइट जा रहा है खोलने के लिए, तो यहाँ पर इसे हमने खोल दिया। और निकालते हैं हमारी स्कूल बैग। ये रहे हमारी बैग। प्लास्टिक रैप के साथ ही हमारी बैग पैकिंग होकर आई है। ब्लाउजी बैग्स यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं, द मिलियन चॉइस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक इंडियन ब्रांड की स्कूल बैग है।
और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लू कलर की स्कूल बैग। तो चलिए इसे भी हम आप देखते हैं, यहाँ पर पैकिंग की हुई है। तो चलिए इसे खोलते हैं। स्टेपल पिन से पैकिंग की हुई थी, इसे हमने खोल दिए और इसे निकाल दिए। आप देख सकते हैं काफी शानदार ये बिना घर में दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं इसके एक पेपर इसके साथ लगा हुआ है। ये तो आम बात है कि कोई भी स्कूल बैग लेते हैं तो वहाँ पर हमें ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर इसके बेल्ट भी काफ़ी अच्छे है, स्मूथ है और इसकी सिलाई आप देख सकते हैं। हालांकि कई बार इसी जगह पर ये हमारे कुछ बैग्स टूट जाती है, लेकिन इसकी ऐसी बात नहीं है। इसकी सिलाई भी काफ़ी अच्छी की हुई है। यहाँ पर आप वाटर बॉटल रख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग, इसकी क्वालिटी। फ्रंट में आप इसको देख सकते हैं ब्लाउजी, इसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है। तो चलिए इसे भी हम अंदर की तरफ देखते हैं कैसी है हमारी बैग। तो इसकी चेन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये जल्दी से टूटेगी नहीं, काफ़ी आसानी से इसे हम खोल सकते हैं और लगा भी सकते हैं। एक छोटा सा जगह है जहाँ पर आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। और एक दूसरी जगह फ्रंट में ही, यहाँ पर भी आप कुछ अपनी चीज़ें कंपास बॉक्स हो या फिर पेन ऐसी चीज़ें रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप हम देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। और ये तीसरी चेन का इंटरफेस, यहाँ पर भी हम देखते हैं अंदर की तरफ कैसी क्वालिटी है। वो काफ़ी बढ़िया, अंदर की तरफ भी हमें कुछ तीन बॉक्स दिखाई देते हैं जहाँ पर हम कुछ चीज़ें रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी है। बेटा तीसरे चेन का इंटरफेस, अब देखते हैं अगली तरफ और एक चेन, इसे खोलकर भी देखते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर ये बड़ा, सबसे बड़ा ये इंटरफेस है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें, नोटबुक्स या फिर कुछ और चीज़ें ट्रैवलिंग करते समय अपने कपड़े भी यहाँ पर रख कर ले जा सकते हैं। तो लास्ट चेन खोल कर देखते हैं अंदर की तरफ क्या है। तो ये रही हमारा लास्ट की चेन। तो इसे हमने खोल दिया, देखते हैं अंदर की तरफ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लैपटॉप रखने के लिए भी जगह दी हुई है, एकदम काफ़ी स्मूथ है यहाँ पर ये जगह। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी की हुई है, सिला भी इसकी बेहतर की हुई है। ये बहुत ही बढ़िया। तो इसकी प्राइस के हिसाब से ये बैग काफ़ी अच्छी है, अगर आपको लेना है तो अमेज़न से ले सकते हैं। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं और देखते हैं हमारी साइड की तरफ की ये बैग कैसी है। तो काफ़ी बढ़िया है, इसकी पकड़ भी काफ़ी अच्छी है, सिलाई भी डबल की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लटकाने के लिए इसको भी जगह दी हुई है। यहाँ पर दोनों साइड बॉटल आप रख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के साथ ये ब्लाउजी की बैग हमें अपने डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये थी आज के दो प्रोडक्ट्स, ब्लाउजी के स्कूल बैग और डिजायर क्राफ्ट्स मेंस वॉलेट। दोनों प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे थे और दोनों में मुझे डिस्काउंट मिल चुका था।
तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।